राजस्थान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के 12 दिनों के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनके परिवार से मिलने गुरुवार की सुबह प्रतापपुर पहुंचे। तेज प्रताप ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जो व्यवहार किया गया उससे शहाबुद्दीन के समर्थकों में काफ़ी नाराजगी थी। 3 दिन पहले सिवान में कई जगहों पर तेजस्वी यादव और लालू यादव के पुतले जलाए गए। बता दें कि शहाबुद्दीन का दिल्ली के DDU अस्पताल में निधन हो गया था। कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके पार्थिव शरीर को बिहार नहीं लाया जा सका। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के जनाजे को सिवान लाने की इजाज़त नहीं मिलने पर दुख जताया था। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा था कि हम ईश्वर से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मगफिरत की दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम मिले। उनका निधन पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजद उनके परिवार वालों के साथ हर मोड़ पर खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। तेजस्वी ने कहा कि इलाज के सारे इंतजाम से लेकर मैयत को घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके आबाई वतन सिवान में सुपुर्दे खाक करने के लिए मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं तमाम कोशिशें की। परिजनों के संपर्क में रहे लेकिन आखिरकार इजाज़त नहीं मिली। कहा कि अंत तक शासन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अड़ियल रुख अपनाए रखा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन उन्हें कहीं और दफनाना चाह रही थी लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद कमिश्नर से बात कर परिजनों द्वारा दिए गए 2 वैकल्पिक स्थानों में से एक IDO कब्रिस्तान की अनुमति दिलाई गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।